आप खुद से आएंगे, आके फोटो लेके आप चले जाएंगे, गाइड आपको कुछ और दिखाएंगे। तीन लोकेशन है इसीलिए नील आइलैंड फेमस हुआ है, ठीक है। एंड देखो ये जैसे ही हाथ लेके जाएंगे वैसे वो अपना मुंह खोलेगा, ये देखो खोल दिया ये। सो दिस इज द लाइफ कोरल्स। व्हेन यू सी द लाइफ कोरल्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, दे हैव अ नेचुरल कलर एंड नेचुरल शेप। कोरल के अंदर दो माइक्रो एनिमल्स होता है, एक का नाम है ज़ूस जेंटली, दिस इज द कॉलीफ्लावर, डोंट टच डोंट टच, और उसको टच नहीं करना। दिस इज स्टैग्नल कोरल्स, कॉलीफ्लावर कोरल्स, जैकफ्रूट कोरल्स, हनीकॉम कोरल्स, ब्रेन कोरल्स। स्कूटी हमने यहाँ पार्क कर दी और यह है नेचुरल बीच का पार्किंग, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी या स्कूटी पार्क करके और नेचुरल बीच का रास्ता जो है वो ऊपर जा रहा है, तो वहाँ से एंट्री होगी। तो गाइज ये हमें गाइड मिले, क्या नाम है आपका? मायसेल्फ कनाई। कनाई, तो ये पर कितनी लोकेशन है यहाँ पर? लोकेशन इज देयर सर। पर लोकेशन कितना चार्ज कर रहे हो? पर लोकेशन 500 चार्ज कर रहे हैं, 3 लोकेशन है। कितनी देर में हम लोग नेचुरल बीच कम्प्लीट? डिपेंड करता है आपके ऊपर है, 10 to 15 minutes चाहिए। अच्छा से हम लोग लोकेशन विजिट करेंगे तो आपको एक एक चीज आपको दिखा के एक्सप्लेन करूंगा। सो 1 hour 10 to 15 minutes अभी डिपेंड करता है कैसा चल रहा है, हर कोई चल नहीं सकते कोरल के ऊपर से, ये रोड बहुत डिफिकल्ट है, स्लीपर ही शार्प होते हैं, यहाँ पे एक सैंड नजर नहीं आएगा, सब दे देंगे चलो आपको, कुछ नहीं खाली जाना है मेरा, चलो चलिए। दोस्तों हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं और भाई ने बोला है कि जल्दी जल्दी घुमाएंगे और सब चीज बताएंगे। 1500 चार्जेस करा है पर लोकेशन 500, अब देखते हैं कि क्या, और बोला है ये भी गारंटी दी आप 100 rupees एक्स्ट्रा देके जाओगे जो आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस ब्लॉग में नेचुरल बीच के बारे में, तो ब्लॉग पूरा जरूर देखिए। एक जो पॉइंट आप जा रहे हैं अभी, ये पूरे भारत में एक ही जगह है जो बाई वॉकिंग करते हुए हम लोग मैरीन लाइफ एक्सप्लोर करेंगे, दिस इज द पॉइंट। देखिए मैरीन लाइफ देखने के लिए आपको स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास बोट राइडिंग वगैरह करना पड़ता है, तभी जाके पॉसिबल होता है अंडर वाटर का जो क्रिएचर है वो देखना। बट यहाँ पे हम लोग बाई वॉकिंग में दिखाएंगे। एक्टिविटीज में क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करेंगे जो गाइड रहेंगे अंडर वाटर, बात नहीं कर सकते। यहाँ पे शैलो वाटर में दिखा के हर एक चीज़ का एक्सप्लेन किया जाता है, हर एक मैरीन लाइफ का, इसीलिए यहाँ पे गाइड प्रोवाइड किया है। 100 गाइड है हम लोग टूरिज्म से रखा है हमें, आप ही लोगों के लिए जिनको इंटरेस्टेड है मैरीन लाइफ देखने के लिए वही गाइड ले। अगर किसी को खाली ब्रिज देखना है तो उसके लिए गाइड नहीं चाहिए। अच्छा। 2-4 minutes 10 minutes ट्रैकिंग करेंगे, सामने ब्रिज आ जाएंगे, फोटो लेके आप वही रास्ता से रिटर्न आ जाएंगे। यहाँ का जो ब्यूटी है, यहाँ पे एक्चुअली जो चल रहा है बेसिकली वो आपको गाइड ही दिखा सकते हैं, विदाउट गाइड आप नहीं देख सकते, नहीं एक्सप्लोर कर सकते, नहीं करनी। बाकी बाहर जो छोटा सा मार्केट है ये पूरा अंदर बड़ा मार्केट लगा रखा है ना, लोकल मार्केट है यहाँ, एवरीथिंग लोकल्स मिलेगा। ओके, वहाँ से स्टार्ट हुई है दुकानें और यहाँ पर है अच्छी खासी, इधर आप शॉपिंग कर सकते हैं, नारियल पानी, खाने पीने की चीजें, बाकी फाइनली यहाँ से अब बीच के जो व्यू है वो आने लगा है, आपको भी दिख रहा होगा सामने समुद्र इसके पार। और यहाँ पर फ्रूट चाट, हर बीच पे फ्रूट चाट आपको मिलेगी यहाँ पे भी अवेलेबल है, ये रही और ये रही। और यहाँ पे हम लोग जो भी गाइड लेते हैं उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैकिंग सैंडल दिया जाता है, तो वहाँ से चेंज। अच्छा, कंचन अंदर गई है सैंडल चेंज करने, जो कंचन की जो सैंडल थी वो स्लिपी होती है ना, यहाँ पे स्लिप करती है, सामने स्लीपर ही है रोड। मेरी चलेगी क्या? मेरी चलेगी आपकी शॉक से। कंचन अपनी सैंडल चेंज करके आ गई, तो ये सैंडल से इसको क्या होगा, फिसलेगी नहीं, स्लिप ही नहीं होगा, ठीक है, अब चलने में कम्फर्टेबल रहेगा। कम्फर्टेबल है, सही है। उतरने का देखो कैसे रास्ता सा बना रखा है, सीढ़ी टाइप आराम से उतरना, ठीक है। ये देखिए ये अलग ही टाइप का बीच है, यहाँ पे कोरल है पूरा, इस जगह के लिए चलने के लिए सैंडल चेंज कराइए। हाँ, सारे डेड कोरल है। कोरल इज अ एनिमल, कोरल को आप सी प्लांट भी बोल सकते हैं, कोरल को आप एक एनिमल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कोरल को लाइव रहने के लिए 24 hours वाटर चाहिए, और वाटर का जो टेम्परेचर है 25 to 30 degrees Celsius होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और सनलाइट चाहिए बट डायरेक्टली हिट नहीं होना। तो डेड कोरल से, डेड कोरल से बिकॉज ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड ये सारे कोरल्स डेड हो चुका है, एंड दिस इज द पॉइंट ओनली वी कैन विजिट इन लो टाइड। अभी परफेक्ट टाइमिंग है लो टाइड, लो टाइड में क्या होता है वाटर लेवल है, वाटर लेवल जो है सी शोर से 100 meters तक पीछे चला जाता है, ये सी शोर है यहाँ से 100 meters पीछे है, पीछे चला जाता है। और जब हाई टाइड होगा वाटर का जो लेवल है यहाँ तक आ जाएगा, और हाई टाइड में वहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। यस, हाई टाइड में कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता। अच्छा, दिस इज द पॉइंट जो लो टाइड में हम लोग लेके जाते हैं और मैरीन लाइव एक्सप्लोर कराते हैं, ठीक है। अभी परफेक्ट टाइमिंग है लो टाइड, हाई टाइड आज का जो टाइमिंग है हाई टाइड आपका होगा 2 o'clock। तो एक कोरल किस चीज का, मतलब पत्थर होता है क्या? नॉट पत्थर, कोरल इज एनिमल, उसके अंदर दो माइक्रो एनिमल्स होता है। अच्छा, वही जो एनिमल है वो कोरल को ग्रोथ होने में हेल्प करता है। अच्छा, ये सनलाइट डायरेक्टली हीट हो रहा है और वाटर नहीं मिल रहा है करके सारा कोरल डेड हो चुका है, दिख रहा है आपको? हाँ, दूर दूर तक डेड है। मेन जो चीज है अभी जो आपका मेन टारगेट है नील आइलैंड का जो अट्रैक्शन पॉइंट है ये नेचुरल ब्रिज बोलते हैं एक्चुअली, दिस इज नॉट अ ब्रिज एक्चुअली दिस इज अ गेट, वो गेट जो है जिससे बना है कोरल से बना हुआ, इसीलिए जगह इतना फेमस है। कोरल से सी प्लांट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फिशेस और एनिमल्स को, और वाटर को फिल्टर करना इसका काम होता है कोरल का। तो ब्रिज जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं नेचुरल ब्रिज, दिस इज अ कोरल फॉर्मेशन,
तो कोरल से बना हुआ है। हजारों करोड़ों साल पहले एक टाइम पे अंडर वाटर हुआ करते थे आइलैंड, हमें भी नहीं पता कितना साल पुराना है। एक टाइम पे जब अंडर वाटर था ये सब सारे कोरल लाइफ था। ब्रिज जिससे बना है गेट वो भी एक लाइफ था। देखे दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो अभी धीरे धीरे जब ऊपर आए आइलैंड बन के वो डेड हो चुका है। तो पानी आता है यहाँ पे ऊपर तक? हाँ, पानी तो डेली रोज आएंगे। अच्छा, रोज आता है वहाँ तक जाता है? यस, ग्रेविटी की वजह से 24 घंटे में दो बार हाई टाइड, दो बार लो टाइड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 24 घंटे में दोस्तों वहाँ से पानी 100 मीटर वहाँ तक जाता है दो बार। बाकी अभी तो फिलहाल वहाँ पर है। ये ने बताया कोरल के बारे में, सारे डेड कोरल हो चुके हैं। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज है यहाँ देखने लायक। कितना हार्ड और थोड़े स्लिपी। अच्छा हुआ कंचन तुमने चप्पल चेंज कर ली, वरना तो आप खुद से आएंगे, आके फोटो लेके आप चले जाएंगे। गाइड आपको कुछ और दिखाएंगे। तीन लोकेशन है इसीलिए नील आइलैंड फेमस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। फिर हम लोग को बहुत दूर जाना है इसका बैक साइड में, ठीक है। तो ये जो गेट है ये कोरल से बना हुआ है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कोरल इन द वर्ल्ड। इट इज माउंटेन कोरल्स। जब अंडर वाटर था ये आइलैंड हजारों साल पहले, तब एक टाइम पे लाइफ था। वाटर का फोर्स में से बीच में से कट हुआ एक गेट जैसा बना है। 1962 से लेकर 1972 तक यहाँ पे सेटलमेंट चला। इंदिरा गांधी जी ने दिया था हमें, बांग्लादेश पाकिस्तान का जब सेटलमेंट हुआ था, लोग आए रिसर्च किए। एक सी प्लान मतलब एक कोरल से गेट बना है, इसलिए इतना फेमस हुआ है। दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। कितनी अच्छी लोकेशन है, मस्त व्यू आ रहा है। लोग बाग वहाँ जाके ही फोटो खिंचवा रहे हैं, पर हम लोग को नहीं, यहीं से ही फोटो शूट किया और हम जा रहे हैं उस साइड। बस टाइम है कम और ये जगह बहुत ही स्लीपी है भाई साहब, पूरी चिकनी हो रखी है। पैर फिसल गया दो तीन बार, तो मैं फिसल गया दो तीन बार, कंचे फिसल गए और लोग भी फिसल रहे हैं। और आगे हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ इतना टाइम ना स्पेंड करके आगे की चीज़ों को देखते हैं। कंचन आराम से। हाँ, और ये क्या व्यू आ रहा है मस्त वाला। इसको बोलते हैं नेचुरल ब्रिज। और मैं सुबह से और कल से कह रही हूँ नेचुरल बीच, नेचुरल बीच। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कंचन का अलग स्वैग है, कंचन तुम्हारा अलग स्वैग है। मेरे को पता ही नहीं लगा। तुम्हें कहाँ पता लगेगा। और दोस्तों ये देखिए फिश, ये जस्ट ट्रेलर है आपको समझाने के लिए रुका है। अभी हम लोग इसके बाद गार्डन में जाएंगे, तब देखना फिशेस कोरल्स कैसा होता है। सो दिस इज अ लाइव कोरल्स। When you see the live corals, you can easily identify. They have a natural color and natural shape. Coral के अंदर दो micro animals होता है, एक का नाम है zooxanthellae और एक का नाम है polyps. Polyps का काम होता है ocean का CO2 को absorb करना, करके calcium और carbonate को secrete करना। और जो zooxanthellae होता है coral पे color provide करता है। ये दोनों animal मिलकर coral को growth होने में help करता है। कोरल एक जगह से और एक जगह मूव नहीं कर सकते। कोरल को लाइव रहने के लिए 24 आवर्स वाटर, वाटर का टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, सनलाइट चाहिए, बट डायरेक्टली हीट नहीं होना, वाटर से होके जाना सनलाइट, तभी कोरल ग्रोथ हो सकता है। जहाँ पे कोरल्स वहाँ पे फिश एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल फिश वहाँ पे कोरल्स। कोरल्स का काम होता है वाटर को फिल्टर करना, कोरल्स का काम होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। हमारे लिए जैसे ट्री इंपॉर्टेंट है, समुद्र के लिए कोरल उतना ही इंपॉर्टेंट है। गेट ब्रिज जो बोलते हैं हम लोग, ये कोरल से बना हुआ है, अभी डेड हो चुका है बिकॉज ऑफ वाटर एंड सनलाइट। दिस इज कॉल्ड स्टैगनल कोरल्स, राइट। दिस इज अ कॉलीफ्लावर, डोंट टच बोलो उसको, टच नहीं करना। दिस इज स्टैगनल कोरल्स, कॉलीफ्लावर कोरल्स, जैकफ्रूट कोरल्स, हनीकॉम कोरल्स, ब्रेन कोरल्स, राइट। पानी नहीं मिलता है इसलिए डेड हो चुका है। यहाँ पे जो फिशेस दिख रहा है, दिस इज ऑल आर ज़ेब्रा एंड टाइगर फिश। इसका साइंटिफिक नेम है साजिद मिर्ज़ा। ज़ेब्रा इसलिए कि उनका लाइनिंग है, लाइनिंग है, लोकल्स बोलते हैं। दोस्तों मछली के जो मतलब बॉडी पे लाइनिंग है, तो उसमें ज़ेब्रा और दूसरी फिश कौन सी? टाइगर फिश। टाइगर फिश तो देखो कितनी अच्छी लग रही है, दिख रही है। कोरल्स को देखने से पता चल जाएंगे आपको। आपको अभी आपको कोरल्स क्या होता है आपको पता चल गया। कोरल्स कोरल्स का अगल बगल क्यों रहता है फिशेस, ठीक है। अभी आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लाइव है। बोलिए यहाँ पे लाइव कौन सा है। एक तो वाला लाइव है, है ना, एक ये वाला लाइव है। जहाँ पे ग्लो करेंगे वो लाइव होता है, ठीक है। अच्छा, अभी धीरे धीरे पानी का लेवल और कम हो जाएगा, अभी लो टाइड हो रहा है। और जब वाटर लेवल बढ़ जाता है सर, यहाँ पे इतना हाइट हो जाता है वाटर, अच्छा नहीं रह सकते, डूब जाएंगे रहने से। अच्छा, दिस इज हम लोग जो रीफ पे अभी विजिट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फिंगिंग रीफ। फिंगिंग रीफ का मतलब होता है आइलैंड का चारों ओर से जो रीफ होता है उसको फिंगिंग रीफ बोलते हैं। और फिंगिंग रीफ का और एक मतलब होता है सामने सडन रीफ है। अच्छा, जब हाई टाइड होता है बाहर का जो फिशेस एनिमल है सब अंदर आ जाता है। अच्छा, और जब लो टाइड होता है कुछ कुछ फिशेस रह जाता है जहाँ पे कोरल्स है। अच्छा, वही चीज हम लोग गेस्ट को आके दिखाते हैं। रोज एक ही जैसा चीज हम लोग दिखा नहीं सकते,
अभी किस्मत का ऊपर है, आज हाई टैग में कौन सा एनिमल फंस रहा है वो किस्मत में जो है हो गया, कल हाई टैग में जो फंसता है वो ऐसे, जैसे कि आज आप देख रहे हैं ना, कल अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको कुछ और दिखेगा। अच्छा, फिश की जगह दूसरा एनिमल दिखेगा, बड़ा छोटा फिश की जगह बड़ा फिश हो सकता है। क्रोकोडाइल आते हैं यहाँ पे? क्रोकोडाइल नहीं है। और टर्टल? टर्टल दिखता है, दिखता है, जुगोंग दिखेगा कभी कभार, ऑक्टोपस दिखता है, कालामारी दिखता है, इलेक्ट्रिक फिश दिखता है, लॉबस्टर दिखता है, किंग स्टार दिखता है, ये सब चीज दिखते रहता है समुद्र। ऑक्टोपस दिख जाएगा, ऑक्टोपस दिखेगा तो बहुत मजा आएंगे आपको, अगर कोशिश करूंगा, अगर दिखा पाऊंगा तो किस्मत में होगा तो दिखेगा। ये था अभी तक कोरल के बारे में। और दो टाइप का होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट। सो दिस इज स्पॉन्ज कोरल, येलो वन। स्पॉन्ज का बहुत वैरायटी होता है, हार्ड का भी बहुत वैरायटी होता है, येलो वन इज स्पॉन्ज कोरल। ये जो येलो दिख रहा है कोरल, ये क्या स्पॉन्ज कोरल होता है? सॉफ्ट कोरल। बाकी ये जो सारे कोरल हैं ये सारे हार्ड कोरल हैं, जो ये दिखाई दे रहे हैं ये सारे हार्ड कोरल, हार्ड एंड शार्प। लुक एट दिस, ऑल मोर एनिमल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज कॉल्ड सी लीच। जंगल में जो लीच होता है फॉरेस्ट पे, इंसान की ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है, और लीच से आपका ट्रीटमेंट भी होता है, फेस पे ब्लैक स्पॉट आता है, रामदेव बाबा उसका लीच का मतलब ट्रीटमेंट चलता है रामदेव बाबा का पास। तो ये समुद्री लीच है, ये आपका बॉडी में नहीं लगेगा, ये डस्ट खाता है डेड कोरल्स की रात को, और दिन को डस्ट खाएंगे डेड कोरल्स की, और रात को ये मूव करेंगे, रात को मूव करेंगे स्टारफिश के अंडे खाएंगे। दिस इज कॉल्ड सी लीच, ये लीच, सी लीच। भैया जा रहे हैं आगे और ये यहाँ पे कर रहे हैं फोटोग्राफी। तो गाइस ये था अभी तक कोरल्स के बारे में बताया भैया ने, और दो तरीके के कोरल्स है जितना मेरे को समझ में आया, दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज सॉफ्ट वाले को स्पॉन्ज भी कहते हैं। बाकी वाटर लेवल कभी कभी इतना ऊंचा आया था एक आपसे भी ऊपर, रोज दो बार आता है, अब हाइटेड एंड लोटेड, मतलब लोटेड में पता नहीं चला आता है, और हाइटेड इसका लोटेड है ना, अभी लोटेड, और लोट जब भी हाइटेड आता तो पता नहीं कौन सी मछली, कौन सा जानवर, कौन सी मछली, कौन से एनिमल्स है वो आते हैं और रुकते हैं, वो डिपेंड करता है, अटक जाते हैं मतलब यहाँ पे, वो ये जो लाइव कोरल होते हैं इसमें रह जाते हैं, और हम लोग फिक्स नहीं कर बोल सकते, जैसे कि आज आपको जो दिखा है आपको कल नहीं दिखा सकता। अभी किस्मत में होता है, सुबह आके हम लोग पहले राउंड लगाते हैं आज क्या क्या फंसा है, उस हिसाब से गेस्ट को ब्रीफ करते हैं। ये टाइगर कोरल है, ये जो दिख रहा है आपको, ये टाइगर कोरल है, टाइगर कोरल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कोरल बोला जाता है, ये टाइगर कोरल है, दिस वन हनीकॉम कोरल्स, लाइव लाइव एक्टिव एनिमल है, दिस इज हनी हनीकॉम कोरल्स, हनीकॉम कोरल्स, कोरल है, कोरल है लाइव। तो टाइगर कोरल से क्या होता है? टाइगर कोरल से ज्वेलरी बनता है सर, इयररिंग, ब्रेसलेट, माला वगैरह बनाया जाता है स्पेशली बॉयज के लिए। टच कर सकते हैं? नहीं, कोरल को टच करना मना है, कोरल को टच करेंगे तो वो डेड हो जाता है। अच्छा अच्छा, कोरल को टच कर नहीं सकते, जैसे कि हमारे लिए जैसे थ्री इम्पोर्टेंट है समुद्र के लिए कोरल्स, कोरल डेड हो जाएगा तो फिशेस एनिमल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वाटर को फिल्टर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कोरल को टच नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे गाइड रखते हैं, कोरल को टच करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम टच नहीं कर रहे। बाकी ये देखिए लहरें, समुद्र की लहरें क्या तेज लहरें आ रही है। दिस इज जैक फ्रूट, जैक फ्रूट कोरल, कटहल, कटहल ऊपर का डेड हो रहा है बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड वाटर, डायरेक्टली हीट हो रहा है, ये डेड हो चुका है इसलिए मैं टच कर पा रहा हूँ, हम लोग को टच नहीं कर सकता, ये डेड है इसलिए हम लोग पैर रख पा रहा हूँ, काई जम गया। और ये शार्क टच करो ऊपर से, ऊपर से टच करके देख सकते हो काई जम गया है, ये ऊपर से टच करो, ये ऊपर से टच कर, मैं भी टच करके देखता हूँ। हाँ ये हार्ड हो गया पर साइड से भी लाइव है, ये ब्रेन कोरल है, ये ब्रेन कोरल बनता है कैल्शियम और कार्बोनेट से, कौन बनाता है? ज़ूज़ेंथली एंड पॉलिप्स, कोरल्स के अंदर दो एनिमल्स होता है पॉलिप्स एंड ज़ूज़ेंथली, ये दोनों ही एनिमल कोरल को ग्रोथ होने में हेल्प करता है, पॉलिप्स मर जाएंगे कोरल मर जाएंगे, और ज़ूज़ेंथली एंड पॉलिप्स जो होता है ब्रेन कोरल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, सो दिस इज द ब्रेन, सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम वो ऊपर ऊपर के डेड हो रहा है, ऊपर ऊपर के डेड हो चुका है, ऊपर ऊपर डेड हो रखा है, साइड में नीचे नीचे, दिस इज जैकफ्रूट, दिस इज हनीकॉम कोरल, ऊपर का डेड नीचे का लाइन, येलो कलर स्पॉन्ज कोरल, स्पॉन्ज कोरल वो तो आपने बताया, हां वो तो लग भी रहा है वैसे, कटहल की तरह नहीं लग रहा, हां पूरा कटहल की तरह लग रहा वो। तो दोस्तों एक और ब्रेन कोरल मिला हमें, ये देखिए तो बड़ा है ना, बड़ा काफी बड़ा ब्रेन कोरल, ऊपर का डेड हो रहा है, ऊपर का डेड हो रखा है जो कि काई कलर का दिख रहा होगा, वो डेड हो चुका है और नीचे लाइव है, और मछलियां इसमें देखो कोरल के सामने कितनी मछलियां, कोरल के अगल बगल फिश रहेंगी, रहेगी ना, लेता है ना। सो दिस इज कॉल्ड सी कुकुम्बर, इसका 1717 टाइप्स ऑफ सी कुकुम्बर पूरा वर्ल्ड में पाया जाता है, ये अंडर वाटर का सबसे लेजी एनिमल बोला जाता है इससे। अच्छा। और ये पूरा वर्ल्ड में इसका 1717 टाइप्स पाया जाता है। अच्छा। इंडियन ओशियन में है ओनली 182 टोटल, ओके। और 2021 में 29 म्यांमार पकड़ा गया था, 1000 किलो सी कुकुम्बर अंडमान सी से चोरी करके लेके जा रहे थे, म्यांमार एंड बर्मीज जो होते हैं ना इन लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, आके हमारा अंडर वाटर का जो एक्सपेंसिव क्रिएचर होता है जैसे कि शांक पर्ल, यहाँ का पर्ल बहुत फेमस है अंडमान का पर्ल, फिर सी कुकुम्बर, सी वीड,
ये सब चीज उन लोग चुरा के लेके जाके वो अपना कंट्री में लेके जाके सेल करते हैं। तो ये खाते हैं क्या? बहुत ही लेजी। अभी पहले लंबा था हो रखा था, अब देखो कैसे हो गया, एकदम शांत बैठा है, ये चल भी रहा है, हल्के हल्के मूवमेंट कर रहा है। देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी चेस्ट है, चिपका रखा है ना कुछ, कोरल चिपका गया है। ये इसका आइस नहीं होता, इसका दोनों साइड से सेंसर होता है, एक तरफ से खाता है एक तरफ से छोड़ देता है। अच्छा, कोरल्स की एल्गी खाके वो अपना लाइफ सर्वाइव करता है। अच्छा, कोरल्स को खाता है, कोरल्स की डेड कोरल की फंगस इकाई ये सब खाके वो लाइफ रहता है। अच्छा, इसे गायब हो गया। इट्स कॉल्ड मिमोसा प्लांट, साइंटिफिक नेम, हम लोग इसको टच भी नॉट मैजिक फ्लावर बोलते हैं। इसका 12 कलर होता है, गायब हो गया, स्वयं हुई है एक तरीके का। कोई भी चीज को टच नहीं करना, आगे सामने जाके पॉइजनस एनिमल वगैरह है, अब जैसा लेके जाएंगे मेरे साथ वैसे। मैंने कहा बिल्कुल ही गायब हो गया। हाँ, वहाँ पे हल्का सा भार आ रखा था ब्राउन कलर का, जैसे कंचन ने टच किया वैसे ही गायब एकदम। वीडियो में रिकॉर्ड हुआ होगा तो आपने भी देखा होगा, मैंने ट्राई तो किया रिकॉर्ड करने का, बट एक्चुअली पानी का फ्लो इतनी तेज आ रहा था ना, वेव आ रही थी तो इतनी विजिबिलिटी थी नहीं पानी के अंदर, बट कंचन ने फील किया। सवाश कंचन, सवाश बोल रहा है अंडमान की मेन चीज दिखाने के लिए, अब वो मेन चीज क्या है वो तो अभी आगे जाके दिखाएंगे। आप भी इधर से आइए, इधर से रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अंडमान इज ए यूनियन टेरिटरीज, अंडमान में 7 ट्राइब सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें से सबसे डेंजरस होता है नॉर्थ सेंटिनल, सेंटिनल एंड शॉम्पेन। इसको देखना है तो आपको नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान विजिट करना है, पोर्टब्लेयर से टूर बनता है। आज आप लोग जहाँ पे, दिस इज साउथ अंडमान। सो अंडमान का दो चीज़ बहुत फेमस है, जो भी आते हैं उसको देख के जाते हैं, और शॉपिंग के लिए है पर्ल। यहाँ का पर्ल बहुत फेमस है, जो रियल पर्ल होता है। पर्ल किसके लिए? जिसको गुस्सा ज़्यादा है, जिसको पसीना ज़्यादा आता है, बॉडी को ठंडा रखता है, उसके लिए पर्ल। तो अंडमान ये आपका कब फेरी कब है, तो अभी आप यहाँ से परचेस कर लें। सो पर्ल के बारे में आपको बताता हूँ, जो एनिमल पर्ल बनाता है उसका नाम है ऑयस्टर शेल, उसका पूरा नाम है क्लैम शेल। उसका जो शेल होता है उसको बोलते हैं क्लैम शेल। ऑयस्टर उसका एनिमल का नाम होता है, और ऑयस्टर का हर एक चीज़ बिकता है। उसका एनिमल को ऑथेंटिक सी फूड में खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, और उसका शेल जो है वो भी सेल होता है, वो बेबी को फीड कराया जाता है उसके शेल पे और डिस्प्ले किया जाता है। पर्ल आपको पता है पर्ल क्या होता है, मोती। पर्ल कैसा बनता है, ऑयस्टर जब जन्म लेंगे, बर्थ हो गए वो मेल में, उसके अंदर एक सैंड का टुकड़ा जाने के बाद ही वो अपना जेंडर चेंज करके फीमेल बनेंगे। फीमेल बनने के बाद वाटर, सैंड, जेलिटिन, कैल्शियम कार्बोनेट और जो उसका सलाइवा होता है ये सब को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर एक ट्यूमर जैसा बनता है, दिस इज कॉल्ड रियल पर्ल। अभी जो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पर्ल है फिलीपींस में, उसका रेट है 7 करोड़ रुपीस, एक फिशर्स मैन को मिला था, क्वीन ऑफ पर्ल, पर्ल की रानी बोला जाता है। सभी जाते हैं उसको देखने के लिए, कभी फिलीपींस विजिट करना है तो देख के आना, सबसे महंगा पर्ल। अच्छा। जो एनिमल रियल पर्ल बनाता है, दिस इज द एनिमल, लुक एट दिस। मेरा उंगली अगर अंदर जाएंगे वापस नहीं आएंगे, उंगली नीचे जाओगे तो काट देगा। अगर अंदर जाता है तो स्टक करके पकड़ता है, तो अच्छा। इसलिए मैं इसको टच नहीं करूंगा, ऊपर से सेंसर दिखाऊंगा वो अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों ये पर्ल आपको दिख रहा होगा, ये रहा, लुक एट दिस, ये देखिए व्हाइट 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 जो मुंह खोल रहा है उसका, ये है ठीक है, मुंह खोल रहा है, उसका साइड से इसका शेल निकल, ये देखिए दोस्तों, दिस इज कॉल्ड ऑयस्टर शेल, इसका शेल का नाम है क्लैम शेल। देखो ये जैसे ही हाथ लेके जाएंगे वैसे ही वो अपना मुंह खोलेगा, ये देखो खोल दिया, ये वो आपको दिख रहा होगा वहां पे उसने अपना मुंह खोला, अगर अंदर ले जाते पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है फिर, नहीं कट कर देंगे। अच्छा, इसको इसको ट्रेन चाहिए तो वो देखिए दोस्तों, तो आपने कैसे पहचाना है आप? हम लोग यहाँ पे लोकल्स है, हम लोग इसके बारे में पढ़ाई किया, हमने स्टडी किया है मैरीन लाइफ का। तो भाई साहब वो नॉर्मल पत्थर लग रहा है, नॉर्मल कर लग रहा है, जैसे ही उन्होंने टच किया हल्का था ऊपर से उसने मुंह खोल दिया, साफ बड़ा डेंजर था। मैं हम लोग का वैसे आता तो हम नहीं पहचान पाते, भैया ने पहचाना और पहचान वो भी करा, और स्लीपी है भाई, यहाँ देखना पूरे पानी पानी में चलना पड़ा। नेचुरल फिश एक्वेरियम, ये है कोरल गार्डन, यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे वाटर स्टे होता है। में आता है एनिमल फंस जाता है, लो टाइड में जिसको लेके आके हम लोग दिखाते हैं। सो यहाँ पे कोरल्स है, मैक्सिमम कोरल इज लाइव, लुक एट दिस, कितना सुंदर ग्लो कर रहे हैं, सारे लाइव कोरल्स है। दिस इज स्टैग्नल कोरल्स, फिंगर ट्री कोरल्स बोलते हैं, वो है ब्रेन कोरल्स, ये सारे कॉलीफ्लावर कोरल्स। ये देखिए ऑयस्टर शेल आपका पैर का सामने, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, देख ही लिया होगा नीचे कितने सारे लाइव कोरल्स हैं, इतना मस्त। ओह माय गॉड, पानी मेरी पूरी कैफी भीग गई, कहीं तो गड्ढा है और कहीं कोरल, पूरी कैफी भीग गई, पानी के अंदर चलना पड़ा। सामने देखना लहरें,
अभी ये दिस इज अवर फिश फीडिंग पॉइंट, यहाँ पे रोज हम लोग गेस्ट को लेके आते हैं, नया नया फिशेस को फीड कराते हैं, फिश को फीडिंग कराने वाले हैं। पेड़ मतलब एक ऐसा पेड़ है जो उसका रूट पहले बाहर आएंगे उसके ऊपर होगा पेड़, उसका रूट जो है यू टाइप का ऐसा ऐसा बनते बनते आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखो फुल खेल रहे हैं, क्रैब पकड़ लिया दोस्तों, देखो मैंने वो वाइदर चल रहा है ना, गुदगुदी सी हो रही है, अपने आगे के पैरों से ना पकड़ रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है मुझे।